माला माल होगी आज। तो जी गुड मॉर्निंग है सभी को। अभी अभी मैं उठी हूँ और मुझे पता है कि मैं उठने के बाद भी अच्छी खासी दिख रही हूँ। तो आज के ब्लॉग में मैं तोड़ने वाली हूँ अपना गुल्लक। आई होप आप सभी को पता होगा कि गुल्लक क्या है, जो कि पिगी बैंक बोलते हैं इंग्लिश में। मैं तो गुल्लक ही जानती हूँ। तो आज हम अपना गुल्लक तोड़ने वाले हैं, जो कि मैंने 2 सालों से भर के रखा था। आई एम सुपर सुपर एक्साइटेड, बट अंदर ही अंदर इतना भी एक्साइटेड भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है उस गुल्लक के अंदर इतने सारे पैसे नहीं होंगे। वैसे वो भर गया है, बट जैसे लोग दिखाते हैं ना 5-5 2-2 हज़ार के नोट्स, मेरे ऐसे नहीं, पता नहीं, 1-1 रुपया करके मैंने भरा था, बट वो भर गया है। जो भी है, एक्साइटेड तो हूँ। तो ब्लॉग को एंटर देखना, हम लोग गुल्लक तोड़ते हैं। ये रहा मेरा गुल्लक, ओह हैवी है, उसको तोड़ेंगे थोड़ी देर में। उससे पहले मेरा मॉर्निंग में मैं यही खाती हूँ, दिस वन। और आज मैंने सोचा है कि मैं अपने लिए थोड़ा सा कुछ स्पेशल बनाऊं, तो उसके लिए पहले से आटा करके रख लेती हूँ। ये रोटी तो मैंने लंच के लिए रखा है, तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में यही खाती हूँ। और इसमें मैं नमक मिर्च पाउडर ये सब वगैरह नहीं लगाती हूँ, मैं थोड़ा टेस्ट के लिए हनी लगाती हूँ। और ये जो आप हनी देख रहे हो, ये केवल 40 रुपीज़ का है, जो कि मैंने 4 दिन पहले लिया था, जो कि इतना आ गया है। जब भी सामान इतना आ जाता मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि इसको दोबारा खरीदना पड़ेगा। मे बी कोई लोगों के लिए 40 रुपीज़ इज जस्ट आ जाएगा फिर से, बट मेरे लिए 40 रुपीज़ भी बहुत बड़ी बात है इतने छोटे से बोतल के लिए। इसके बाद टेबल में रख के सिखाती हूँ। अभी तो कैमरा देख के खा रही हूँ, बट जब ब्लॉग नहीं बनाती तब मूवी देख के खाती हूँ। आदत होगी, ये ना बहुत बुरा आदत है, कुछ भी खाते वक्त मोबाइल चलाना, सुबह सुबह उठ के मोबाइल चलाना, इससे आँख खराब हो जाता है। बट ह्यूमन नेचर पता ही है, हमारे लिए जो जो चीज़ खराब है फिर भी हमें वही करना होता है। तो अब हम एक टेस्टी सा लंच बनाते हैं, जो कि बहुत हेल्दी है और आई थिंक आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। बट हर किसी का टेस्ट अलग अलग होता है, बट देखिए मैं क्या बनाती हूँ इस रोटी से। ये देखो सुबह जो लगाया था पूरा सॉफ्ट हो गया, जो कि हमारे पास बेलन नहीं है, मैं इसी पे साफ करके बनाऊंगी। ये रहा हमारा रोटी, रोटी में से आटे में डुबो देना है। रोटी बना लो, मेरे कहने का मतलब ये है। आप लोगों को क्या पता कि मैं कितना अच्छा रोटी बनाती हूँ, खुद ही पता चल जाएगा। थोड़ी देर देखो ब्लॉग को, ये देखो गोल रोटी, रोटी बन गया है। अब इसमें आप ऑयल ले सकते हो, बट मैंने लिया है क्या कहते हैं देसी घी को। गरम कर देते हैं, गरम करने के बाद एक अंडा डाल देना है इसे, और मेक श्योर कि इसको आप ऐसे रोटी की शेप जैसे बनाएं। इसके ऊपर में आपको रोटी रख देना है इसे, उल्टा करोगे तो ऊपर ऐसे अंडे का लेयर बन जाएगा। आप डिसाइड कर सकते हैं 2 अंडे चाहिए तो 2, मैंने तो सिर्फ एक ही डाला है। अब आपका ऐसे पूरा लेयर, मतलब आपको जितना खाना है आप उतना बना सकते हो। मैं तो अपना अभी का लंच और डिनर भी यही खाऊंगी। मेरे पास है पिचकू, ये आई थिंक 15 रुपये का आता है, विच इज़ इनफ फॉर मी। इसको अभी यहाँ पे लगाते हैं। ककम्बर, प्याज, मिर्ची, धनिया, लाल मिर्च और नमक लगाया, ये इसके फिलिंग के लिए। आप जैसे चाहो वैसे वेजिटेबल डाल सकते हैं, बट टमेटो मत डालना, टमेटो में बहुत पानी होता है तो क्रंचीनेस नहीं रहता है।
कटिंग करना स्टार्ट करते हैं यहाँ से, बीच में रख दो क्योंकि इसको हम बाद में रोल करेंगे। ऐसे बज गए हैं शाम के 8 बजे। 6 to 7 मैं करती हूँ अपना वर्कआउट, कभी कभी 30 मिनट भी कर लेती हूँ। टोटली डिपेंड अपॉन माय मूड, अगर मूड ज़्यादा अच्छा हुआ तो 1 घंटे से ज़्यादा भी कभी कभी कर लेती हूँ, मगर आज मुझे पता नहीं। मैं ना लास्ट वीडियो जब मैंने खाया था तब से मैं सो गई थी और 5 बजे उठी थी, इसका मतलब मैं 3 से 2 घंटे सो गई थी, तो इसीलिए शायद इतना एनर्जी नहीं रहा। एक्सरसाइज, आप जब एक्सरसाइज करते हो तो दिन में 1 घंटा सो लोगे तो ठीक है, मगर उससे ज़्यादा सो जाओगे तो बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रहता है। तो आज मैंने आई थिंक 10 मिनट शायद एक्सरसाइज किया होगा। एक्सरसाइज करने के बाद मैं नहा लेती हूँ और अपना भगवद गीता पढ़ लेती हूँ। तो अभी टाइम आ गया है कि हम अपना गुल्लक तोड़े। आई एम वेरी एक्साइटेड, मगर मुझे इतना भी पता है कि उसके अंदर इतना सारा भी पैसा नहीं होगा, क्योंकि मुझे याद है 1-1, 2-2 या कभी कभी ज़्यादा पैसा हो जाता था तो 10 रुपये का सिक्का या ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये मैंने उसमें चूसा था और तो पूरा भर गया है। तो जल्दी से उसको खोलते हैं थोड़ी देर में। ये रहा हमारा गुल्लक, ऐसा लग ही नहीं रहा अंदर कोई नहीं, ऐसा लग रहा पत्थर है। तोड़ते हैं इसको, मन ही नहीं कर रहा तोड़ने का, बस तोड़ना तो पड़ेगा ही। धीरे धीरे तोड़ती हूँ, दिल में थोड़ा कम दर्द होगा। टूट ही नहीं रहा, लगता है ये टूटना नहीं चाहता। जब मेरे पास थोड़े से पैसे होते थे, ये रहा मेरा सबसे ज्यादा पैसा 20 रुपये। आप लोगों ने देखा होगा कितने अमीर लोग होते हैं जिनके गुल्लक तोड़ने पे पिंक पिंक कलर के नोट निकल आते हैं, ग्रे ग्रे कलर के 500 के नोट निकल आते हैं। बट मेरे पास यही है, बट चलो जो भी है, नोट तो है मेरे पास, इतनों के पास तो ये भी नहीं है। वाह, तो माला माल हो गई आज, 1000 भी नहीं आएगा होगा, फिर भी चलो गिन के देखते हैं कितना होगा। 10 के अलग, ये देखो ये है 10 रुपये वाले सिक्के, ये 5 रुपये वाले, 20 रुपये वाले, 2 रुपये वाले, ये 1 रुपये, सॉरी ये 1 रुपये। अब इसको गिनते हैं कितना निकलेगा पैसा। ये वाला हो गया 400, इसको मिला के 500, इसको मिला के 600, कुल मिला के मेरे पास हुआ है 700 रुपये, और ये 1 रुपये का सिक्का मिला के हो गया है 743 रुपीज़। इन केस यू आर थिंकिंग कि मैं इस पैसों का क्या करूँगी, इन पैसों का क्या करूँगी, तो मैं इन पैसों का सब्जी वगैरह खरीदूँगी, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, इसीलिए मुझे गुल्लक तोड़ना पड़ा। क्योंकि सब्जी वगैरह के लिए भी मैं मौसी से पैसे मांगती रहती हूँ और उनके पास भी, मतलब मुझे छोड़ के भी वो बहुत घर में अदर रिलेटिव्स और मेरे सिबलिंग्स भी हैं जिनको वो पैसे प्रोवाइड करती है। तो 700 रुपये का मैं सब्जी खरीदूँगी, और मैं बोलना चाहूँगी कि हर किसी का लाइफ जो है एक जैसा नहीं होता है,
तो आई थिंक कि आपको जो भी अभी मिल रहा है, आप जैसे भी हो उसी में खुश रहना सीखो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करती हूँ हर चीज़ों के लिए. मतलब छोटी छोटी चीज़ें मुझे खुश भी करती है और छोटी छोटी चीज़ों में मैं बहुत ज़्यादा हर्ट भी हो जाती हूँ. बट आई थिंक कि आप जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका लाइफ सही नहीं चल रहा या आपके पास कुछ है नहीं, तो आप ना हमेशा खुद से ऊपर वाले को नहीं, खुद से हमेशा नीचे वाले को देखना कि उनके पास क्या नहीं है और आपके पास क्या है. क्योंकि हमेशा हम अगर सेलिब्रिटीज़ को देखते रहेंगे, अंबानियों को देखते रहेंगे, तो हो गया हमारा हर दिन ख़राब होना है. उनके हिसाब पे तो हम कुछ है ही नहीं. बट वही है, द पीपल हु आर हैंडीकैप कुछ कर नहीं सकते, जो सड़क पे भीख मांगते हैं, उससे तो हम बहुत बेहतर है. तो जो भी है, दो हज़ार के नोट्स नहीं निकले, बस 700 रुपये है, क्योंकि 700 रुपये से मेरा चार पाँच हफ्ते का हो जाएगा, मेरा सब्जी वगैरह खाना वगैरह का हो जाएगा. लग के पैसे से मैं लेके आई हूँ 6 अंडा, 4 बनाना और आइस लेके आई हूँ, और ये क्या बोलते हैं इसको, मैंगो लेके आई हूँ आइस से. मैं अभी आइसक्रीम खाऊंगी, क्योंकि मेरे पास दिल्ली में फ्रिज नहीं है, तो मैं 40-50 रुपये का बर्फ़ खरीद के इसको यहाँ से छोटा छोटा टुकड़ा करके यहाँ पे भर देती हूँ. लाइक 2 दिन तक बर्फ रहता है यहाँ पे. 1 टेबल स्पून चीनी और जितना आइसक्रीम ठंडा खाना है आइस आपका मर्जी से डाल लेना. जो फ्लेवर का आइसक्रीम आपको चाहिए वो वाला फ्रूट आप यहाँ पे डाल सकते हो. मैंने बनाना डाला है और थोड़ा सा मिल्क. Here goes our perfect ice cream. तो ऐसे ही आज मैं अपना आइसक्रीम एंजॉय करने जा रही हूँ, और आप लोग भी लाइफ को ऐसे ही एंजॉय करिए. ब्लॉग को ढेर सारा प्यार देते रहना. बाय बाय.